आज हम लोग गणित में आज हम लोग को टॉपिक पढ़ने है, उसका नाम है संख्याओं का आधारित प्रश्न। परिषद में पढ़ना है, आठवां दिन है और इसमें भी पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो किस पे? संख्याओं का आधारित प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। जैसे दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि 500 का 20% प्लस x का 40% बराबर 800 बराबर 800, तो x का मान क्या होगा? तो दिए गए प्रश्न में x का मान क्या होगा, जल्दी से हल करिए। हल करके आप लोग बताते रहिए। जो लोग इस वीडियो को फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वो फेसबुक पे शेयर कर देंगे, और जो ये यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं वो यूट्यूब पे शेयर कर देंगे, ठीक है। वैसे तो ये हाँ जी पेड क्लास के मेंबर के लिए ही है, ठीक है, लेकिन अभी आप लोग देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके अपने अपने जवाब। ठीक है, तो देखिए इसको लगाना काफी आसान है, बेहद आसान है, आप लोग जुड़े होंगे। तो चलिए देखिए कैसे ये हल होगा। इसे हल करने की जो प्रक्रिया वो देखते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग 500 का मैंने गुणा, ये हो जाएगा 20/100 प्लस कह रहा है x का 40%। x पता नहीं कोई वैल्यू नहीं है तो हमने यहाँ पे x ऐसे ही लिख दिया। का मैंने गुणा 40% का है तो ये 40/100 बराबर क्या हो जाएगा? 800। क्लियर। अब इसे डिफाइन करके काट कर छोटा करना है, और छोटा करने के लिए कुछ नहीं करना है। हल करने का तरीका आपको मैंने कई बार बता दिया है, अब तो धीरे धीरे हल करना भी सीख गए। यह दो लड्डू इस दो लड्डू से कट गया, इसका लड्डू इससे कट गया, तो ये हो जाएगा भैया 5 × 2 = 20, तो हो जाएगा 100। 100 प्लस ये हो जाएगा, ये 4 ये भी कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5, तो ये हो जाएगा 2/5x बराबर 800। क्लियर। ये 100 इधर प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो हो जाएगा आपका 2/5x बराबर 800 माइनस 100। क्लियर यहां तक? अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये 800 में ये जाएगा, तो हो जाएगा 2/5x बराबर 700। चाहे तो मैं 2 से काट के इधर गुणा कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करना, आप एक लाइन बढ़ा ही दीजिए। x बराबर 700 गुणे इधर जाएगा, ये तो 5/2 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये 350, और 350 गुणे 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो x बराबर 350 गुणे 5 बराबर क्या होगा? 1750। तो जो x की वैल्यू है वो क्या निकल जाएगी? 1750। क्या मिल जाएगी हमें और आपको? जो x की वैल्यू है वो 1750 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, जितने लोग लाइव देख। एक बार मैं पूरे जो क्लास है इसको मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, कहा 500 का 20% प्लस x का 40% बराबर 800 है। हमने क्या किया, का मान गुणा है तो 500 × 20/100 प्लस x 40/100 बराबर 800 रख दिया। इसको काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा 5 × 20, तो ये 20 × 5 = 100 हो जाएगा। 100 इधर प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 2/5x बचा, तो हो जाएगा 2/5x बराबर 800 में 100 गया 700, तो उधर जाएगा गुड़े में उधर जाएगा पलट जाएगा, तो x बराबर 700 × 5/2, 2 से काट दिया, x बराबर 350 × 5, तो 1750 हुआ। अब बताइए कितने लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब हम आगे जो सवाल लगाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा और, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आप लगा लेंगे। जैसे दे दिया जाए a का 20% बराबर b के 30% के बराबर हो तो a अनुपाते b का मान क्या होगा? a अनुपाते b का मान क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जितने लोग लाइव हैं वो फटाफट कमेंट करके बताएं। यदि a का 20% b
बी के 30% के बराबर हो तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा। जितने लोग लाइव है जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सॉरी। ध्यान से देखिएगा हमने क्या लिखा, ए का 20%, ए गुणे 20/100 बराबर बी का 30%, 30/100। फिर हमने क्या किया, हर हर को 100-100 से काट दिया। फिर हमने बताया था कि अंश और हर यदि गुणे में है तो दोनों संख्याएं काटी जा सकती हैं। दो लड्डू कट गया, यह जीरो से यह जीरो कट गया, तो ए गुणे 2 बराबर बी गुणे 3 बचा। फिर यहाँ बचा ए बटे ए, बी इधर गुणे में है, इधर लाएंगे बटे में, ए बटे बी, यह 3 इधर है, 2 उधर, गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा 3/2। ए अनुपात बी बराबर 3/2। इसी को अगर आपको और साधारण में हल करना था तो कैसे हल करते, ध्यान दीजिएगा वहां पे दिया था ए का 20% बराबर है, प्रश्न में ये दिया था ना, ए का 20% बराबर है किसके, बी का 30%। तो यही काट देंगे, काट देते क्या आता, 2/3, इसी को पलट देते आप तो 3/2 आता। वही अनुपात को काट के पलट देते तब भी आपका शॉर्ट में आ जाता, बाई मेथड अगर लगाएंगे तो ये है। जितने लोगों को समझ में आ गया वो कमेंट करके बता दें, नहीं समझ में आया तो हम और आगे दोबारा समझाएंगे, तिवारा समझाएंगे, तब तक समझाएंगे जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, तभी तक समझाएंगे जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। देखिए आज भर तो आप लोग को ओरली से पढ़ाएंगे, कल से प्रश्नों की सीरीज आपके सामने हल करेंगे लाएंगे, उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। अभी एक दो दिन आपके जो ओरली क्लास पढ़ाएंगे, और ओरली का मतलब यह है आपके जो कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले आपका क्लियर होना चाहिए, हो गया क्लियर। चलिए अब आगे प्रश्न लिखिएगा, अब एक प्रश्न और लिखिएगा बस, ज्यादा ज्यादा नहीं करेंगे, एक टाइप के दो उदाहरण, बाकी हम लोग जब प्रश्न आएगा तब करेंगे। लिखिएगा ए का 70% बराबर है बी के 40% से, तो बी अनुपाते ए का मान होगा, तो बी अनुपाते ए का मान होगा, कमेंट कर बताइए क्या होगा। तो बताइए बी अनुपात ए का मान क्या होगा, बताइए जल्दी से। देखिए यहां पे ए का 70% बी के 40% से बी अनुपात ए का मान क्या होगा, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं किसका उत्तर सही है और किसका उत्तर गलत है। तो एक एक करके हल करते हैं, वैसे तो मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके ही बता रहा हूं, दोनों तरीके से आप सीख लीजिएगा। ए का 70% माने ए गुड़े 70/100 बराबर बी गुड़े 40/100, क्लियर है तक, मुझे लगता है किसी व्यक्ति व्यक्ति विशेष को कोई डाउट नहीं होगा, 100-100 से क्लियर, ये लड्डू इस लड्डू से क्लियर। अब कह रहा है ए गुड़े 7 बराबर बी गुड़े 4, यहां तक सबके सही होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में दिया है बी अनुपात ए का मान दिया है, ना कि ए अनुपात बी का, तो ए इधर गुड़े में उधर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, इधर ये बट्टे होगा 7/4, ये हो जाएगा बी बट्टे ए। हमें यही ज्ञात भी करना था क्या, कि बी अनुपात ए बराबर 7/4, हमें क्या करना था, यही क्या करना था, ज्ञात करना था, और हमें वही ज्ञात हो गया। तो जितने लोग लाइव हैं वो लोग स्क्रीनशॉट इसकी क्लिक कर लें, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। अब अगर इसको समझ में ना आया हो, क्योंकि हमें प्रश्न में बी अनुपात पूछा था ना कि ए अनुपात बी का मान पूछा था, दोनों बातें समझ लीजिए, दोनों कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है, दोनों तरह समझ लीजिएगा, फिर नहीं आएगा तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा, लीजिएगा। तो यहां से क्लियर हो गया, अब हम बढ़ते दूसरे टाइप के प्रश्न की तरफ, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो अगले टाइप के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप 6303634367 पे व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं इसके अदर प्रश्न पे, लिखिएगा एक संख्या के 75% में, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या थी, जल्दी कमेंट कर बताइएगा।
एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या था? कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए क्या होगा, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताएं, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो बताइए वो संख्या क्या थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। फटाफट बताइए आप लोग, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने से संख्या प्राप्त होती है, संख्या क्या होगी? सवाल लिख लिया आप लोगों ने? किसी कोई दिक्कत, किसी कोई डाउट, जो भी लाइव हो बताएं। हो गया सबका प्रश्न लिख लिया आपने? अब उत्तर देना शुरू करिए जल्दी जल्दी, कोई रूल नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं आपको यूज करना है। अभी तो जितने लोग लाइव है वो सभी लोग, जो फेसबुक पे लाइव हो फेसबुक पे शेयर कर दें, जो यूट्यूब पे लाइव हो यूट्यूब पे शेयर कर दें। अगर आपको लग रहा है मैं गणित बेहतर पढ़ा रहा होता और नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आइए देखते हैं हम इसको हल करते हैं। आप लोगों ने अभी तक हल नहीं किया। कह रहा है कि एक संख्या के 75% में, मान संख्या x, मान संख्या x, x के 75% माने x का 75% माने ऐसे लिख सकते हैं ना, x का 75% x के 75% में, इस संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर, उसने 75 जोड़ दिया हमने, क्या प्राप्त होता है? संख्या प्राप्त होता है। संख्या माने क्या माना हमने? यस, बस इसी प्रश्न को हल कर दीजिए, जो इसको हल कर लेगा उसका उत्तर आ जाएगा कि वह संख्या क्या है। यही समीकरण आपका बनेगा कि एक संख्या का 75% में 75 जोड़ने पर x प्राप्त होता है, माने स्वयं संख्या प्राप्त होती है, संख्या की वैल्यू क्या है आप आसानी से लगा लेंगे। जितने लोग लाइव है वो आसानी से लगा लेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना है आपको, बस आराम से इतना ही देखना है, x का 75% में 75 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है, इसी को आपको हल करना है जल्दी से। जो लोग लाइव देख रहे सभी को शेयर कर दें। चलिए देखिए कैसे हल होगा। देखिए x का 75% माने x गुणे 75/100 प्लस 75 इक्वल टू x, क्लियर? अब क्या कह रहा है कि इसे डिवाइड करें छोटा कर लिया जाए पहले तो आसान हो जाएगा गणित, तो हम चाहे तो यहां पे कर सकते हैं 25 / 75, 25 × 100 क्या हो जाएगा 3/4x प्लस 75 = x। देखिए x की वैल्यू एक तरफ कर दीजिए, 75 वाला सेक्शन एक तरफ कर दीजिए, और दोनों एक तरफ हो जाएगा तो आपको हल करना समझना कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर ले जाते हैं, तो ये अगर इधर ले जाएंगे तो हमें क्या बचेगा इधर 75 = x - 3y 4x, क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट किसी को, कोई समस्या? यहां देखिए यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं हुई ना, कोई समस्या नहीं हुई। अब देखिए अभी क्या करेंगे, यहां पे हम कर सकते हैं 4 का 4x में से 3 यहां पे देखिए लिखेंगे हम, यहां पे लिख सकते हैं 75 = ये 4 का 4x में से 3x गया तो x बटे 4 यहां बचेगा, x बटे 4 इधर बटे में इधर है गुणे में हो जाएगा, तो x बराबर 75 × 4 तो x बराबर 300, तो संख्या क्या होगी 300। तो प्रश्न मैंने रिपीट किया, मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो आप बताइए संख्या क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, क्या आप लोग को समझ में आ गया? अगर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, यहां किसी को दिक्कत कोई समस्या हो? नहीं आया? अरे कह रहा है ध्यान सुनेगा, यक्ष के 75% में 75 जोड़ने पर, यक्ष के 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या है? हमने क्या किया, यक्ष का 75% लिख दिया, 75% में 75 जोड़ दिया तो संख्या मिल गई। अभी 75/100 लिखे काम आने गुणा हो जाएगा, तो 75/100 प्लस 75 काटेंगे तो 3/4x प्लस 75 - x, ये प्लस उधर जाएगा तो ये माइनस हो गया, जब माइनस होगा आइए मैं दोबारा आपको लगा ही देता हूं, दोबारा मैं लगा देता हूं, चलिए यहां से
तो आप यहां से यहां पे देखिए, ये बराबर का चिन्ह था, ये बराबर का चिन्ह है, तो x माइनस है, तो आप लिख सकते हैं आप 75 बराबर, ये इसका बटा एक होगा, इसका बटा कुछ नहीं होगा, तो हो जाएगा 4x माइनस 3x बटे 4। अब क्या लिखेंगे, 75 बराबर x बटे 4, तो x बराबर 75 गुणे 4, x बराबर 300। अब समझ में आया, अब इसको समझ में आया कमेंट करके बताएं, जिनको नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करके बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको गणित आसान करवाना, चाहे जैसे भी आपको ये अंततः ये स्पष्ट करना है, ये सीखना है कि गणित आसान है। दोनों तरफ से x क्यों लिया गया, कह रहा है कि एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है, माना संख्या x है, तो x जब सवाल पाएंगे उसका 75% हो गया, x का 75% 75 जोड़ते स्वयं संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, मैंने कहा ना प्रश्न की भाषा आपको समझना होगा, जब तक आप प्रश्न की भाषा नहीं समझेंगे कितना भी बेहतर पढ़ाया जाए आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है, माना हो यक्ष। आगे बढ़ा जाए, यहां तक क्लियर हुआ, किसी कोई डाउट, चलिए अब अगला प्रश्न लिखिएगा, इसके बाद का प्रश्न लिखिएगा, एक संख्या का 14वां भाग एक संख्या का 14वां भाग 24 है, एक संख्या का 14वां भाग 24 है, तो उस संख्या का 300% क्या होगा, तो उस संख्या का 300% क्या होगा, लिख ले आपने, एक संख्या का 14वां भाग 24 है, उस संख्या का 300% क्या होगा, जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से, जितने लोग भी लाइव हैं, जितने लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वे सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे और अपने जवाब भी कमेंट करके फटाफट देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आएगा, हल भी करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, बाकी आपकी इच्छा स्वतंत्र है, वैसे ये पेड क्लास की क्लासेज है, जब तक आपको डेमो मिल जाए देख लीजिएगा। हो गया, आइए हल करते हैं, ठीक है, अब हम लोग हल करेंगे इस सवाल को, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि एक संख्या का 14वां भाग क्या है, 24 है, तुम्हारा संख्या यक्ष है, तुम्हारा संख्या यक्ष है, तो यक्ष का माने गुणा होता है का 14वां हिस्सा, माने यक्ष का 14वां हिस्सा क्या होगा भाई, किसी संख्या का 14वां हिस्सा क्या होता है, ध्यान समझिएगा, किसी संख्या का 14वां हिस्सा पूछा है, कैसे लगाएंगे, यक्ष तो लिख दिया, अब क्या करेंगे, 14वां हिस्सा माने 1/14 का इसका 1/14वां हिस्सा कितना है, 24 है, 24 लिख दिया हमने। अब कह रहा है कि संख्या का 300% निकालिए, जब संख्या का 300% कहे तो आप ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, पहले सवाल को हल कर लेते हैं, हल करने के बाद तब 300 निकालते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अलग निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे उसी में निकाल देंगे, घोड़े का 300 का है, तो 300% माने 300/100, बस इसी को हल कर दीजिएगा, जो आपको उत्तर आएगा वो दिए गए प्रश्न का जवाब होगा, क्लियर। अब देखिए कैसे हल करेंगे हम लोग, यह जीरो से यह जीरो कट गया, यक्ष बराबर पूछा तो यक्ष बराबर यहां पे हो गया 24 × 3, ये बटे में उधर आया गुड़े में, गुड़े 14, इसे गुणा करिए कितना आता है, 24 × 3 = 72 × 14, तो यक्ष बराबर क्या होगा, 14 × 2 = 28, 28 + 98 और ये 100, ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया 1008। कितना आसान प्रश्न, सोचिए सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, क्योंकि लाइट अप डाउन हो रही, शायद कट जाए, तुरंत स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, पहला काम स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए,
पहला काम आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। डेली क्लास के किसी भी नोटिफिकेशन, नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट आदि के लिए आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च कर ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है, ठीक है, आराम से जुड़िएगा। बस क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, किसी की समस्या हो तो पूछ सकता है। अगर किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे लिखेंगे प्रश्न आप लोग। यहां तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो आगे प्रश्न लिखा जाए और उसके बाद आज के प्रश्नों की सीरीज फिर खत्म होगी। फिर दो टाइप के सवाल बचेंगे, एक बचेगा चुनाव पे आधारित प्रश्न, दूसरा बचेगा आपका पास फेल पे प्रश्न। उसके बाद हम आपको ओरली प्रश्नों की सीरीज हल कराएंगे, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया, जब तक वीडियो की सीरीज मेरी नहीं देखेंगे, मेरे ट्रिक आपको समझ में नहीं आएंगे। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं बिना फॉर्मूले के पढ़ाऊंगा, एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। आज आपका जो वीडियो का क्रम है देख लीजिएगा, अभी तक आपने एक भी फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ाया है। प्रश्न लिखिएगा एक संख्या का चार बटे पांच भाग, एक संख्या का चार बटे पांच भाग उसके 65% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। पर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं मैं दोबारा समझा रहा हूं, शायद दोबारा आपको समझ में आ जाए। एक संख्या का चार बटे पांच हिस्सा उस संख्या के 65% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से आप लोग जो भी लाइव है कमेंट करके जवाब दें, प्रश्नों को हल करके फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट जवाब दें, सभी लोग जल्दी जल्दी। जो भी साथी जहां भी देख रहे शेयर कर दें यार, आप लोगों को शेयर करने के लिए कहना पड़ता है बार बार। आप लोग हल करेंगे, हम हल करें, बताइए जल्दी से। चलिए हल करते हैं। हम कह रहा है कि एक संख्या का चार बटे पांच भाग उसके 65% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात करिए। तो माना, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, करिए। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या का चार बटे पांच भाग, मानो संख्या यक्ष थी तो यक्ष का चार बटे पांच भाग उस संख्या के 65% से, तो यक्ष का 65% माने 65 बटा 100 से अधिक है, कम है, अधिक है, ज्यादा है, अंतर का चिन्ह लगेगा। कितना अधिक है? 60। बस इसी प्रश्न को हल कर दीजिए, जो आपका उत्तर आएगा वो दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा। तो दिए गए प्रश्न क्या होगा? आंसर होगा, दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा। तो जल्दी से फटाफट आप लोग इसका जवाब दे दीजिए, क्या होगा, कैसे लगेगा। सभी लोग जवाब देंगे, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं। देखिए यहां पे हम लोग कैसे हल करेंगे, आराम से, बहुत ही आसान तरीके से हल किया जा सकता है। अगर इसको हम काटेंगे तो भी छोटा भी कर सकते हैं। ये 5 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा और ये 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। मतलब हमें मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, 4x/5 माइनस ये क्या हो जाएगा, 13x/20 = 60। क्लियर? अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20 होगा, 5 × 20 तो 4 × 16x, 20 × 20 माने 13x = 60। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग? जो लाइव में बढ़ाए कमेंट करके, यहां तक समझ में आ रहा है ना?
फिर क्या करेंगे, 16x में से 13x गया तो 3x बटे 20 बराबर 60। हम चाहे तो 3x या 60 को काट सकते हैं, लेकिन अभी आप कहेंगे सर कैसे काट दिए, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे हम, अभी 20 उधर जाएगा तो 3x बराबर 60 गुणे 20, x बराबर 60 गुणे 20 बटे 3 करेंगे, 3 दुना 6 20, तो x बराबर 20 गुणे 20, तो x बराबर 400। x बराबर क्या हो जाएगा, 400। इसलिए इसका उत्तर क्या हुआ आपका, 400। जितने लोगों को समझ में आ गया है वो कमेंट करके बता दें, जिनको नहीं समझ में आया है वो भी कमेंट करके बता दें, क्योंकि इससे बेसिक जो गणित है वो आपको नहीं हो सकती। मैंने पूरी तरीके से बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। मैं क्लास को इस टॉपिक को, मैं इस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं। मैं एक प्रश्न दोहराते हुए, मैं पहले प्रश्न दोहरा लूं। प्रश्न कह रहा था एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 65% से 60 अधिक है तो संख्या क्या होगी। तो माना संख्या यक्ष थी, तो यक्ष का 4/5 माइनस यक्ष का 65/100 अधिक है, माने माइनस बीच में लगाएंगे बराबर 60। तो यहाँ पे काट के छोटा कर लिया, 5 से काटा 65 को 13, तो 20 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे 4x/5 माइनस 13x/20 बराबर 60। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 20, फिर 5 भाग देंगे 20 में, 4 बार जाएगा, 4 चौके 16x माइनस 20 एक का 20 तो 13 का 13x, 16 में से 13x गया 3x/20 बराबर 60, ये बटे में इधर आएगा तो गुड़े में हो जाएगा, तो 3x बराबर 60 गुड़े 20, 3 गुड़े x 3 गुड़े में इधर आएगा बटे में, तो 3 एक का 3, 3 दूना 6, 20 गुड़े 20, तो x बराबर 20 गुड़े 20 करेंगे 400। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का उत्तर जो है वो 400 आएगा। अधिक हो कमी हो, ठीक है, ज्यादा हो अंतर हो, उस समय हमेशा माइनस का चिन्ह लगाते हैं, हमेशा ऋणात्मक का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तभी आपको क्लास की सबसे जो पहली नोटिफिकेशन होती है वो केवल केवल टेलीग्राम पे उपलब्ध होती है, जहां पे आप दुर्गेश सर सर्च कर ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं, ठीक है। दुर्गेश सर सर्च कर ई लर्निंग विद दुर्गेश से आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करिएगा, प्रयास करिएगा सारे कॉन्सेप्ट को समझने का, सारे कॉन्सेप्ट को हल करने का। फिर भी यदि कोई दिक्कत कोई समस्या रह जाती है आप हमसे बताइएगा, हम आपको जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत कोई समस्या है, अगला प्रश्न बोले लिखेगा, अगला प्रश्न सभी को लिखेगा। एक संख्या का मैं थोड़ा सा किताब का सहारा लेता हूं। एक संख्या का तीन बटे सात भाग उसके 40% से, एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है। तो उस संख्या का 120% क्या होगा? तो उस संख्या का 120% क्या होगा? ठीक है, अब जल्दी से इसको हल करिए, हल करके फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, फटाफट एकदम जवाब दीजिएगा। एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। एक संख्या का 3/7, उसके 40% से 12 अधिक है, अधिक है माने माइनस, उसके 40% माने x का 40% माने 40/100 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। कह रहा उस संख्या 120% क्या होगा, फिर गुड़े 120/100। इसी को हल कर दीजिएगा, एक लाइन में आपका दिया गया प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। कह रहा है कि एक संख्या का 3/7 उस संख्या के 40% से 12 अधिक है तो संख्या का 120% क्या होगा। तो जितने लोग लाइव हैं वे लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, जो जहां भी लाइव देख रहे हैं, चाहे जो फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, सभी एक दूसरे को शेयर कर देंगे। बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र है, आप चाहे शेयर करें आप चाहे ना करें, आपकी इच्छा।
हमारा जो काम था वो हमने आपको कर दिया। क्लियर है? किसी कोई डाउट, किसी कोई समस्या नहीं है? बताइए, किसी कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लोग कट गया, यही समस्या है बार बार। एक संख्या का 3/7 भाग उस संख्या के 40% से 12 अधिक है तो संख्या का 120% क्या होगा? एकदम रट जाएगी गणित। आप इतना बार पढ़ा रही कि गणित के सारे जो कॉन्सेप्ट है, जो सारे गणित की थ्योरीज है, वे सभी आपको एकदम रट्टा हो जाए, एकदम रट्टा हो जाए, और आप लोग को गणित एकदम हलवा जैसा लगे, एकदम आसान सा लगने लगे। और ऐसा पॉसिबल है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पॉसिबिलिटी और बेहतर हो जाएगा। लगा दे, लाइट कट जाती है बीच बीच में, तो लाइट आई तभी तो बोर्ड चालू हो रहा है। अब चालू होने में तकरीबन आपका कितना सेकंड लेगा? लिखा होगा 30 सेकंड लेता है। 30 सेकंड आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कहता हूँ स्क्रीनशॉट क्लिक किए जाए करिए। इसको पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, लगा रहे लगा रहे लगा रहे लगा रहे, ऑन तो होने दीजिए। बोर्ड ऑन हो जाता है फिर हम लगा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा। और कह रहा है कि एक संख्या का 4/7, मानो संख्या x है, x का 4/7 भाग उस संख्या के 40% से 12 अधिक है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? यही सवाल था ना, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हमें सवाल एक बार में याद हो गया था। लिख रही है 3/7 था, ठीक 3/7 था, ओके 3/7 भाग संख्या के 40% से 12 अधिक है। क्लियर? इसी संख्या को, इसी सवाल को हल करना था। आइए हल करते हैं हम लोग सभी लोग। एक ही देखिए, मैंने क्या किया, इसको एक ही लाइन में लिख दिया। कह रहा है एक संख्या का 3/7 भाग, माना संख्या x था, x का 3/7 भाग, x के 40% से 12 अधिक है, संख्या 120% क्या होगा? उसी समय 120% निकाल देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। आइए इसको हल करते हैं। ये लड्डू से लड्डू को काट देंगे, छोटा हो जाएगा, 2 × 2 = 4 काट देंगे, ये 2 × 5 = 10, ये क्या हो जाएगा 3x/7 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2x/5 बराबर, ये लड्डू से लड्डू कट जाएगा, 2 से कटेगा 5 और ये 2 से कटेगा 6, तो ये हो जाएगा 12 × 72/5, ये हो गया ना। चलिए अब इस कैल्शियम लेंगे, इस कैल्शियम जो होगा वो 5 और 7 का आएगा 35, ठीक है 35 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 का भाग 35 में देंगे तो 5 बार जाएगा, फिर गुणा करेंगे 5 × 3 = 15x माइनस 5 × 7 = 35, 7 बार जाएगा, फिर 7 कितनी बार जाएगा, 5 × 7 = 35, 7 बार, तो 7 × 2 = 14x बराबर 72/5। अब क्या करेंगे, 15x में से 14x गया तो क्या बचेगा, x बटे 35 बराबर 75/5, ठीक, ये बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 72, सॉरी ऊपर यहां पे आपका 72 है। अब ये बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो x बराबर 72/5 गुणे 35, तो 5 × 5 5 × 7 = 35, तो x बराबर 72 × 7, तो 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49, 50, 504, जितने लोगों का 504 आया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही थे। बहुत सारे लोगों ने 504 बताया था, उन सभी के जवाब सही थे, ठीक है, उन सभी जितने लोगों ने बताया था 504, उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही थे। और जी हाँ, यहाँ से आपके क्लास जो है पूरी तरह से हमने समझा दिया, सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर दिया। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई सवाल रह जाता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं।
अब कोई कह रहा है कि 120 बटे 100 कहां से आया, आपने प्रश्न को लिखा होगा, प्रश्न में पूछा गया है कि संख्या का 120% क्या होगा। शायद अगर आपने प्रश्न लिखा होगा तो प्रश्न में आपने एक लाइन लिखी होगी कि दिए गए संख्या का 120% क्या होगा। अगर आपने वो संख्या लिखी होगी तो शायद आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं आओगे तो भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, हम उसको दोबारा तिबारा समझाएंगे। अब डेली क्लास के लिंक के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़िएगा, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च कर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। और यदि आपको ऑनलाइन क्लास, नोट्स, पीडीएफ कुछ भी चाहिए उसके लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, पीडीएफ नोट्स, होम डिलीवरी, घर पे बैठे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो सभी क्लास की चीज़ें मिल जाएंगी। और ये सभी क्लासेज जो पेड क्लास होंगी ये हमारे प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन ई लर्निंग विद दुर्गेश उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो अगर वहाँ से डाउनलोड हो जाता ठीक है, नहीं होता टेलीग्राम पे रहिएगा, उन दोनों जगह से आपको ऑनलाइन क्लास संबंधी सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको बेहतर स्कोर कराना। गणित जिस विषय से आपको डर लगता है उस बात के लिए एकदम निडर रहिएगा, गणित हम आपको इतनी बेसिक से पढ़ा देंगे आप भी क्या याद करेंगे कि गणित क्या इतना आसान होता है। सभी चैप्टर, केवल हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, लाभ हानि बट्टा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज इन सभी अध्याय की मैं बात कर रहा हूँ। इतना सरल इतना हलवा पढ़ा दूंगा कि आप लोग भी कहेंगे वास्तव में गणित पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ना जाए, ठीक है। और काम समय, चाल समय, नाव नदी, पानी टंकी, ये सभी जितने भी अध्याय हैं, अनुपात, समानुपात, औसत जिसे एवरेज के नाम से जानते हैं, ये सभी अध्याय अभी मैं एक बार अपनी थियरी पढ़ाऊंगा जिसके लिए मैं बोर्ड यूज करूंगा, उसके बाद में जब सवाल मुझे हल करना होगा मैं सवालों की सीरीज लाऊंगा और फिर वहां पे हल करूंगा। लेकिन उससे पहले आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक मैं कितना भी बढ़िया पढ़ा दूं वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और आप तैयारी करते रहिए, भर्ती का इंतजार ना करिएगा। अगर आपको लगे वीडियो बेहतर तो शेयर करिएगा, अगर आपको लगता है किसी काम का नहीं है तो मत शेयर करिएगा, चाहे आप जहां इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। अब आपके मन में कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बाय बाय। तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, अगर आपको क्लास से बेहतर लगेगा तो इसे शेयर कर दीजिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश सबसे महत्वपूर्ण बेस्ट सीरीज है आपकी गणित की, और हम आपके लिए सीरीज की शुरुआत कर दी है, तो ये अंत तक पढ़ाते रहिएगा बिना किसी नियम, बिना किसी रूल, बिना किसी फॉर्मूले पे। ऑनलाइन क्लासेज जुड़िएगा क्योंकि ऑनलाइन क्लास पे हमारे जो प्ले स्टोर पर ई लर्निंग विद दुर्गेश एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करिएगा, वहां से आपको सारी वीडियो की लिंक और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, वहीं से पढ़ते रहिएगा, अपना बेस्ट देते रहिएगा। हम आपके साथ हैं और आप भी अपना बेस्ट दीजिएगा, सफलता एक ना एक दिन आपके कदमों में जरूर रहेगी। गणित को एकदम हम आसान बना देंगे, इतना आसान जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।